Hello everyone, from today onwards we are going to start a new course that is on Lucent's GK. So we will start with Indian history. Se. Indian history is divided in 3 parts, mein divided hai, ancient India, medieval and modern. We will start with ancient India. First we will talk about Indus Valley Civilization. Ke bare mein. Indus Valley Civilization is Harappan Civilization because the first site discovered thi, was Harappa. And Indus Saraswati Civilization is called क्योंकि 80% जो सेटलमेंट था वो सरस्वती रिवर के अराउंड था. इसका आप टाइमलाइन जानते हैं. पहले टाइमलाइन बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं. तो जब हम टाइमलाइन कैलकुलेट करते हैं तो बेस ईयर हम मानते हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ को. और जीसस के बर्थ के बाद जितना भी ईयर्स आता है उसको हम उसके पीछे हम लगाते हैं एडी, दैट इज एनो डोमिनो. और पहले जितने भी इयर्स हैं उनके पीछे लगाते हैं हम बीसी, बिफोर क्राइस्ट. जैसे ही हम पीछे जाते हैं तो जैसा नेगेटिव इंटीजर स्केल में चलता है -1 -2 के पहले आता है, सिमिलरली जैसे ही हम पीछे जाएंगे तो 500 पहले आएगा और 400 उसके बाद आएगा, 300 उसके और बाद आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 0 आएगा. ये ऐसा बीसी में चलेगा. लेकिन जब एडी में जाएंगे तो 0 के बाद 100 एडी, 200 एडी, 300 एडी, 400 एडी ऐसा चलेगा. तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेटिंग टाइमलाइन. और बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, है ना. और इंडस वैली का जो टाइमलाइन है वो है 2500 से 1750 बीसी तक. इसे हम कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में हमें रिटर्न जो भी सोर्सेस है उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है. जितना भी इन्फॉर्मेशन हमें गैदर किया है वो हमने एक्सकेवेट करके किया. और ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है इस पीरियड को, क्योंकि कॉपर नोन था बट आयरन के बारे में कोई जानता नहीं था, तो इसलिए ब्रॉन्ज एज. अब इम्पोर्टेंट साइट्स जो है वो इंडस वैली की, वो है सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न महाराष्ट्र. नॉर्दर्न मोस्ट साइट जो है वो है रोपर में, सतलुज नदी के किनारे. और सदर्न मोस्ट साइट जो है वो है भागा तरफ गुजरात में. और ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो है आलमगीरपुर यूपी में. और वेस्ट में है सुप्तगिंदौर. ये है पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर पे मकरन कोस्ट. अब कैपिटल सिटी जो हरप्पन सिविलाइजेशन की है वो हम कह सकते हैं हरप्पा और मोहनजोदारो है. और पोर्ट सिटीज हैं लोथल, सुप्तगिंदौर, अलादीनो, बालाकोट, कुंतसी, ये पोर्ट सिटीज हैं. अब हरप्पा जो है ये है हरप्पा, ये रावी नदी के किनारे है इन पाकिस्तान पंजाब. मोहनजोदारो ये है इंडस नदी के किनारे, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान. अब हम जानते हैं इनका डिस्कवरी कैसे. ये कुछ और इम्पोर्टेंट साइट है, जैसे ये देखो चांदू दारू है, ये है सिंध पाकिस्तान में इंडस रिवर के किनारे. आगे चल के हम इन साइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई थी पहले हम ये जानते हैं. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी बाय चांस हुई थी 19th सेंचुरी में. 1856 में रेलवे लाइन का काम चल रहा था लाहौर से कराची तक. तो जब भी ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स लगते हैं तो उनके नीचे कुछ पत्थरों को क्रश करके रखा जाता है. तो जो वर्कर्स थे काम करने वाले वो लोग एक पास के वीरान विलेज से पत्थर उठा के ला रहे थे, उनको क्रश करके वहां पे लगा रहे थे. तो वहां पे एक ब्रिटिश इंजीनियर आया एक इंस्पेक्शन के लिए और उसने सोचा हो सकता है कि ये एक एंशियंट साइट हो. उस इवेंट के बाद 50 साल तक यहाँ पे कुछ नहीं हुआ. बट 50 ईयर्स लेटर अलेक्जेंडर कनिंगम आए जो कि एक मेंबर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और उन्होंने वहां पे फर्स्ट एक्सकेवेशन करवाया. तो उस टाइम पे भी इतना कुछ बड़े लेवल पे एक्सकेवेशन नहीं हुआ था, कुछ सील्स मिली थी. उसके बाद लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन जो था वो 1921 में हुआ सर जॉन मार्शल के अंदर, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे उस टाइम पे. राय बहादुर और दयाराम साहनी जी और एमएस वत्स, इन लोगों ने हरप्पा पे सबसे पहली एक्सकेवेशन करवाया. और जो सेकंड एक्सकेवेशन वो करवाया था मोहनजोदारो पे रखलदास बैनर्जी ने.
तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। इंडस वैली को कहा जाता है फर्स्ट अर्बन अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। उसके सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है वहां का टाउन प्लानिंग। वहां का टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो सिटी था वो डिवाइडेड था दो पार्ट्स में, सिटाडेल और लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो था एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ टाउन, और वो थोड़ा सा एक पोडियम पे बना था, मतलब ऊंचाई पे बना था एक। और जो लोअर टाउन था वो नॉर्मल जगह पे बना था, मतलब थोड़ा नीचे। लोअर टाउन नीचे और सिटाडेल कह सकते हैं अपर टाउन या ऊपर। तो जो सिटाडेल था वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था टाउन का। और इंपॉर्टेंट जो बिल्डिंग्स होती थी, रिचुअलिस्टिक बिल्डिंग जैसे कि ग्रेट बाथ है, ग्रीनरी है, वो सब ऊपर होती थी। ये देख सकते हैं आप, ये एग्जाम्पल है, ये सिटाडेल है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है, और नीचे ये जो है ये लोअर टाउन है। यहाँ पे जनरली लोग रहते थे, और यहाँ पे पूरा शासन या एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो यहाँ से चलता था। एक और इम्पोर्टेंट फीचर जो है इंडस वैली का वो ये है, यहाँ पे बर्न ब्रिक्स का यूज होता था। और सारी जो ब्रिक्स है वो 4:2:1 के रेशो में ही होती है हर जगह। मतलब इंडस वैली को वन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि सिविलाइजेशन में किसी भी लोकेशन पे आप फीचर्स देख लो वो एक जैसे ही मिलेंगे। तो यूनिफॉर्म साइज की ब्रिक्स होती थी यहाँ पे, और सैनिटेशन सिस्टम जो थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब हर घर में आपको बाथरूम मिलेंगे, इतना हाईली मतलब वेल इंजीनियर्ड सैनिटेशन सिस्टम कह सकते हैं। और जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था, और ड्रेन्स जो थी वो हमेशा कवर्ड रहती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ये ग्रेट बाथ है, ये जो पिक्चर आप ग्रेट बाथ का देख रहे हैं, साइड में ये चेंजिंग रूम्स है। पहले इनके ऊपर वॉल्स होती थी, मतलब रूफ्स होती थी, अब नहीं है। एक और फीचर मैं आपको बताना भूल गई, जो टाउन था वो कवर्ड होता था वॉल्स से, सराउंडेड बाय वॉल्स। ये फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन कह सकते हैं। और ये ग्रिड पैटर्न में घर बने हुए हैं एक के बाद एक, कोई भी कहीं पे भी नहीं बना हुआ है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है सब कुछ। और ये अपर टाउन है, ये लोअर टाउन है, ग्रिड पैटर्न ये आप देख सकते हैं। अब हम जानते हैं इंडस वैली के लोगों के बारे में। तो इंडस वैली के जो लोग थे वो कॉस्मोपॉलिटन थे, वो कुएं के मेंढक नहीं थे। वो जानते थे कि दूसरे सिविलाइजेशन भी है, जैसे उस टाइम पे सुमेर सिविलाइजेशन था, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन था, वो उनके बारे में जानते थे, और उनके साथ ट्रेड भी करते थे। इंडस वैली का जो मेन स्टे था वो एग्रीकल्चर था, बट इट वाज बूस्टेड बाय ट्रेड एंड कॉमर्स और आर्टिसियनशिप। तो जब भी कोई सिविलाइजेशन होता है, अर्बन सिविलाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन या जिसमें भी ट्रेड हो रहा है या सरप्लस है, तो वो सब सिविलाइजेशन बेसिकली एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड होता है। जब एग्रीकल्चर ज्यादा होगा तभी ट्रेड होगा, तभी दूसरी चीजें अच्छी होंगी। अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है तो बाकी आगे बढ़ने का चांस ही नहीं। तो मेन स्टे कभी भी किसी भी सिविलाइजेशन का होगा वो एग्रीकल्चर ही होगा। अब हम जानते हैं कौन कौन सी क्रॉप्स मिलती थी यहाँ पर। तो इंडस वैली के लोग वीट, बाले, लेंटिल, चिकपी, सेसमे के बारे में जानते थे, और कॉटन के जो रिमेन्स है वो हमें मेसोपोटेमिया में मिले। इंडस वैली के टाइम के कॉटन के रिमेन्स मेसोपोटेमिया में मिले। इससे हम जान सकते हैं कि कॉटन का जो था वो ट्रेड होता था मेसोपोटेमियम से। और मेनली इंडस वैली के जो लोग थे वो इरिगेशन के लिए डिपेंड करते थे फ्लड्स पे या फिर बारिश पे। नेचुरली उन लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं बना रखे थे वाटर और इरिगेशन के लिए। सिर्फ एक ही जगह धोलावीरा में इरिगेशन स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। डैम्स वगैरह का और कहीं पे भी नहीं मिला प्रमाण। एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे ऑक्स, बफेलोस, गोट्स, शीप्स, पिग्स। हम्ड बुल का बहुत इंपॉर्टेंस था। हम्ड बुल हमें बहुत सारे पिक्चर्स में भी मिला है, कुछ जैसे पशुपतिनाथ की सील है उस पर भी हमें हम्ड बुल जैसा स्ट्रक्चर मिला है। हॉर्स जो था वो सिर्फ सुक्तकोटड़ा और लोथल में हॉर्स के रिमेन्स मिले। इससे हम कह सकते हैं कि शायद ये इम्पोर्ट हुआ था मेसोपोटेमिया से। एलिफेंट्स और राइनोस के बारे में भी जानते थे हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग। उनका ट्रेड चलता था मेसोपोटेमिया से और सुमेर से, मतलब इराक और इजिप्ट आज के टाइम के। और
लोग जो ट्रेड करते थे वो सील्स के थ्रू कुछ ट्रेड होता था, मतलब यहाँ से अगर हम कुछ भिजवा रहे हैं तो साथ में कुछ सील्स भिजवा देंगे जिससे पता पड़ेगा कि मतलब उस टाइम पे पैसे नहीं यूज होते थे तो किसी, और बाटर सिस्टम चलता था, लोग सील्स के थ्रू करते थे। ये सील्स जो है हमें मेसोपोटामिया और दूसरे सिविलाइजेशंस में मिली है, और सिमिलरली वहां की सील्स हमें इंडस वैली में भी मिली है। पिक्टोग्राफिक्स की सील्स का यूज होता था, मतलब स्क्रिप्ट तो पता नहीं है कौन सी है, बट वो बोस्टोफिडॉन स्क्रिप्ट है, मतलब उसे डिकोड नहीं किया हुआ है। बोस्टोफिडॉन मतलब क्या होता है, जो राइट से लेफ्ट जाएगी, फिर लेफ्ट से राइट जाएगी, फिर राइट से लेफ्ट जाएगी, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं, तो वह हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, फिर से लेफ्ट आते हैं, फिर राइट लिखते हैं, बट वो एक पैटर्न बनाएगी, पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, ऐसा चलती है। और कुछ पिक्चर्स और वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिसको अब तक जान नहीं पाए कि क्या लिखा है उसमें। इंडस वैली के जो लोग थे वो किसी टेम्पल जैसे स्ट्रक्चर में नहीं जाते थे, मतलब उस टाइम पे टेम्पल्स वगैरह नहीं बने थे, बट ये लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को वर्शिप करते थे और एक से ज्यादा भगवान को मानते थे। बहुत सारी हमें फिगर्स मिले हैं, जैसे मदर गॉडेस का एक फिगरिन मिला है, उसके अलावा हम्टबुल मिले हैं, तो इससे हम जान सकते हैं कि ये लोग पेड़ की पूजा करते थे और जानवरों की पूजा करते थे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की पूजा कर रहे हैं। मदर गॉडेस मतलब मदर गॉडेस की पूजा कर रहे हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे वुमेन का जो स्टेटस था वो बहुत अच्छा था। स्वास्तिक जो सील थी वो भी उस टाइम पे मिल चुकी थी। फिर एक बियर्डेड मैन का स्टैचू फिगरीन मिला है हमें, जो थोड़ा सा प्रीस्ट जैसा दिखता है। फिर पशुपति नाथ, उनको प्रोटोशिवा भी कहा जाता है। ये देखिए, ये कुछ, ये मदर गॉडेस का कल्ट है, ये पशुपति नाथ। अब इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट साइट है मोहनजोदारो, उसको बोला जाता है माउंट ऑफ डेड। ये इंडस रिवर के किनारे हैं और यहाँ पे ग्रेट अबात है, असेंबली हॉल है, ग्रेट ग्रेनरी है, डांसिक ब्रॉन्ज गर्ल जो है वो भी यहाँ पे मिली थी। फिर पशुपति नाथ की सील भी हमें यहाँ मिली थी। हड़प्पा सेकेंड साइट है। हड़प्पा सबसे पहली साइट जो एक्सकेवेट की गई थी वो थी हड़प्पा। ये रावी नदी के किनारे है पंजाब में, और यहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी मिली है, टेराकोटा बुलक कार्ड मिले हैं। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगी। पहले जब हड़प्पा का एक्सकेवेशन हो रहा था, तब एक आर्कियोलॉजिकल एक तो खिलौने निकले जा रहे थे और कुछ नहीं निकल रहा था, बहुत सारे खिलौने निकले। तो किसी ने कहा था कि हो सकता है कि ये इस साइट में, मतलब इस सिविलाइजेशन में सिर्फ बच्चे ही रहते हो, बड़े रहते ही ना। तो थर्ड साइट जिसके बारे में हम जानेंगे वो है कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। ये है गग्गर नदी के किनारे, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। यहाँ पे हमें प्लेट फील्ड मिली है, ज्वेलरीज मिली है, मेसोपोटेमियम सील्स मिली है। नेक्स्ट साइट है राखीगढ़ी, लार्जेस्ट साइट है ये। इससे पहले की जो लार्जेस्ट साइट थी वो थी मोहनजोदारो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 300 हेक्टेयर की थी। ये 350 अराउंड हेक्टेयर्स की है और अभी भी यहाँ पे एक्सकेवेशन चल रहा है। और कार्बन 14 डेटिंग के रिजल्ट्स के हिसाब से कहा जा रहा है कि राखीगढ़ी जो एस्टैब्लिश हुआ था वो 5000 से 4000 BC तक कभी एस्टैब्लिश हुआ था। मतलब वहां की जो साइट्स, वहां पे जो चीजें मिल रही है, कहा जा रहा है कि वो इतनी पुरानी हो सकती है। नेक्स्ट साइट है लोथल। लोथल है गुल्फ ऑफ खंबात में, गुजरात में। ये है साबरमती नदी के किनारे। सबसे वर्ल्ड का सबसे पुराना डॉकयार्ड यहाँ पे मिला है, यहाँ से ट्रेड होता था ऑफ कोर्स, और बीड मेकिंग वर्कशॉप भी मिली है यहाँ पे। ये लोथल का डॉकयार्ड कह सकता। नेक्स्ट साइट है धोलावीरा और सुक्तकोटड़ा। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। सुक्तकोटड़ा में हमें बोन्स मिले थे हॉर्स के, और धोलावीरा में लास्ट टाउन है विथ इलाबोरेट सिस्टम ऑफ ड्रेन्स। लास्ट हम पढ़ रहे हैं चान्हुदारों के बारे में। ये इंडस नदी के किनारे सिंध में, ये इकलौती सिटी है जिसमें सिटाडल नहीं है, और कह सकते हैं ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था। मतलब यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज बनी थी और वहां से रिलेटेड लोग ही रहते थे। ओके दैट्स इट, थैंक यू।